भारत में बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, लेकिन उनमें से गिने चुने स्मार्टफोन ब्रांड्स ऐसे हैं जो स्मार्टफोन तो बेचते ही हैं, उसके अलावा फोन मैन्युफैक्चर करते हैं अपने लिए और साथ ही साथ दूसरों के लिए भी। कहां पर? इंडिया में। ऐसे ही गिने चुने ब्रांड में से एक ब्रांड है ओप्पो। और ओप्पो का नाम सुनते ही कंज्यूमर्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल भी आ सकते हैं। मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस तो आते ही हैं कि भला ये कब होने वाला है, ये क्या आने वाला है। वो तो मतलब बेसिकली लीक आने लगती है तो ऑटोमेटिकली ये लीक क्वेश्चंस आने लगते हैं दिमाग में। लेकिन इसके अलावा ये बहुत सारे सवाल उठते हैं ओप्पो के फोन्स के प्राइसिंग से जुड़े हुए, उनके कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए, और साथ ही साथ आजकल का जो हॉट टॉपिक है 5G, उससे भी जुड़े हुए। और इन्हीं सब सीधे सवालों का सीधा जवाब आज हम लेंगे ओप्पो से डायरेक्ट दिल से के इंटरव्यू में। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन, और आज हमारे साथ हैं ओप्पो से दमयंत, जो कि हैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ओप्पो इंडिया के। दमयंत, आपका स्वागत है और सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थैंक यू संदीप, दिवाली की आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। दमयंत, अभी थोड़े टाइम पहले रॉकेट था इंडिया में लॉन्च हुआ था, जिसका नाम था 5G रॉकेट। उसका स्टार्ट बटन तो दबा दिया गया और वो उड़ने के लिए तैयार भी हो गया कुछ कुछ जगहों पे, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये आ रही है, बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनके पास इस रॉकेट में सवारी करने के लिए टिकट तो है, यानी कि 5G डिवाइस है, लेकिन एक चीज की कमी रह रही है, वो है बोर्डिंग पास। अभी जब तक बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, ये लोग उसकी सवारी नहीं कर सकते, और ये बोर्डिंग पास देगा OEM। और यहां पर बात आती है ओप्पो की। आपने 5G फोन बहुत पहले से लॉन्च कर दिए, जबकि हिंदुस्तान में 5G की सर्विस शुरुआत नहीं हुए थे, तो ये देरी क्यों हो रही है अपडेट में और इसके पीछे का कारण क्या है? जहां तक बिल्कुल 5G का सवाल है, जैसे आपने बोला, हम लोग पिछले कुछ सालों से ओप्पो में लगे हुए हैं जिद्दोजहद में कि हम अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको 5G अवेलेबल कराएं। और पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने करीब 14 मॉडल्स 5G डिवाइसेस लॉन्च किए हैं इंडिया में। और जो हमारी टीम है ओप्पो इंडिया R&D टीम जो है, वी बीन वर्किंग एट द बैक एंड टू इंश्योर दैट स्टैंड अलोन 5G सपोर्ट इज एनेबल्ड एट द अर्लिएस्ट। इट्स अ फेज्ड अप्रोच, तो हम लोग काम कर रहे हैं सारे जो हमारे कैरियर पार्टनर्स हैं उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं बैक एंड में, ताकि 5G एनेबल जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी हो। राइट दमित, आप काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी सब फोन्स में 5G नेटवर्क लैच कर रहे। अब यहाँ पर अगला बिल्कुल सवाल ये आता है कि जैसे हमने स्टार्ट में बताया था कि ओप्पो एक ऐसा ब्रांड है जो खाली अपने लिए फोन मैन्युफैक्चर नहीं करता है, वो वन प्लस के लिए भी करता है, रियलमी के लिए भी करता है, लेकिन एक चीज की शिकायत बहुत कंज्यूमर्स को रहती है कि आपके जितने भी फोन लॉन्च होते हैं ज्यादातर में किलर प्राइस टैग का कमेंट नहीं मिल पाता है। ओप्पो वन प्लस को मिल जाता है और रियलमी को मिल जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है? जी, सो आई जस्ट टेक अ स्टेप बैक संदीप। सो आई थिंक इफ यू टॉक अबाउट ओप्पो की जो ब्रांड मिशन है, हमारी जो मिशन है, वी बेसिकली आर ट्राइंग टू क्रिएट प्रोडक्ट्स दैट एनेबल टेक्नोलॉजी फॉर मैनकाइंड एंड काइंडनेस फॉर द वर्ल्ड। नाउ बेसिकली जो एट द हार्ट ऑफ व्हाट वी ट्राई एंड डू इज दिस दिस थीम ऑफ वर्चुअस इनोवेशन, एंड दिस इज आवर बिलीफ एज एन आइडियलिस्टिक टेक ब्रांड। एंड वी होप टू हेल्प द वर्ल्ड एंड आवर कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स एट द बेस्ट प्राइसेस पॉसिबल। एंड आवर प्रोपोजिशन ऑब्वियसली इज इंस्पिरेशन अहेड, एंड वी आइडेंटिफाई विद अ लॉट ऑफ आवर कंज्यूमर्स एंड वी होप टू एम्पावर देम एंड टू एलिवेट सोसाइटी इन जनरल विद इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। सो दिस इज व्हाट्स एट द बैक एंड ऑफ हाउ वी क्रिएट प्रोडक्ट्स एंड व्हाट वी काइंड ऑफ आर सीकिंग टू डू इन सोसाइटी। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट What we're doing with our products, obviously constant innovation एक theme रहती है हर एक product जो हम लोग launch करते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग R&D activities जो करते हैं वो हर R&D जो हर research जो innovation है वो consumers का experience enhance करे, right? So if you take for example our battery technology like SuperVOOC, now what this enables to do is it not only kind of safely increases your charging speed in smartphones, but we also have something called the BHE, which is the battery health engine. और ये क्या करती है, डबल डबल अप कर जाती है नंबर ऑफ साइकिल, चार्ज साइकिल जो होती हैं आपकी। नाउ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो है वो 800 का है, सो 800 चार्ज साइकिल्स का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। नाउ व्हाट वी हैव डन विद आवर प्रोडक्ट इज वी एनेबल 1600 चार्ज साइकिल्स। नाउ दिस नॉट ओनली इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ द डिवाइस दैट कंज्यूमर्स आर बाइंग,
but it also, you know, makes for a sustainable environment, right? So that's one simple, one straight example I can share with you. Similarly, you know, हमारे जो phones हैं, like Oppo का नाम camera innovation से जुड़ा हुआ है, right? We've recently launched our RGBW camera sensors, which captures more light. हमारा Merisilicon X आपने सुना होगा chipset जो है, which results in clearer and brighter videos in low light. Has algorithms that result in better portrait photography. Now, all these technologies gradually percolate down to our entry devices. In addition to this, what we also do is we focus on building long-lasting relationships with our customers with after-sales experience. Oppo is one of the few brands in the country jahan pe, you know, 550 se zyada service centers hain, 500 se zyada cities mein. We have pick-up and drop repair services for consumers. We have a send and repair for 13,000 pin codes across India. So ye jo investments hum logon ne ki hain, this is to ensure jo hamare consumers hain, unko na sirf ek great phone mile, but ek great ownership experience mile. And so, you know, as a brand, our belief is less about the killer price tag. It's more about how do we give a wholesome consumer experience and deliver long-lasting value to our consumers. So it goes beyond just plain hardware specs. It goes beyond just saying we have the cheapest or we have you know, a killer price. It's about user experience, and that's what our focus is. Right. So, lekin Dimant, aapne bataya ki aap jis technology pe bhi kaam karte hain, jo nayi technologies pe kaam karte hain, jaise camera se judi hui ya pe battery management se judi hui, wo definitely aapke high end phones mein jo top of the line phones hote hain usse pehle aati hai, lekin dheere dheere karke wo aapke sab phones mein aane lagti hai, chahe wo budget ho ya mid budget ho. लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम बिकवाली हम मार्केट में देखेंगे अगर नंबरों के हिसाब से, तो 15-16 हजार रुपए के आसपास में सबसे ज्यादा फोन बिकते हैं. और वहां पर अभी भी कभी कभी लगता है कि ओप्पो के फोन्स प्राइस के मामले मार खा जाते हैं, इवन अगर हम स्पेक टू स्पेक कंपैरिजन भी करें. क्या इसके पीछे का एक कारण ये भी है कि आप लोग ऑफलाइन मार्केट में काफी पुश कर रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी की वजह से प्राइस थोड़ा सा हाई रहता है? सुदीप, आई थिंक प्राइस को आप ऐसे आइसोलेशन में देखेंगे तो ऑब्वियसली, यू नो, हार्डवेयर गेम इज नॉट द ओनली गेम वन नीड्स टू प्ले एज अ स्मार्टफोन ब्रांड. लाइक आई वाज सेइंग, हमारा जो फोकस रहता है वो कंज्यूमर एक्सपीरियंस पे रहता है. सो आप फर्स्ट मोमेंट में यू माइट ओनली लुक एट द हार्डवेयर स्पेक्स एंड यू माइट ओनली लुक एट द प्राइस टैग एंड से कि ये मेरे को वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है. बट जैसे मैं आपको बोल रहा था, आर फोकस इज अबाउट क्या वैल्यू हम दे रहे हैं हमारे कंज्यूमर्स को ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? जैसे मैं आपको बता रहा था, 1600 चार्ज साइकिल्स का मतलब क्या है. इट बेसिकली मीन्स व्हेन यू बाय अ रीनो 8 फॉर एग्जांपल, आप लिटरली वो फोन 4 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? एंड इट्स लेस अबाउट सेइंग कि अच्छा मैंने आज 3000 रुपए कम दिए या 4000 रुपए ज्यादा दिए. इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट यू बाइंग अ प्रोडक्ट in which the brand is saying ye phone aapka 4 saal tak chalega. We are assuring consumers about charging cycles, we are assuring consumers about color os updates, we are assuring consumers about latency, 3 saal tak latency ka, you know. So these are the things jis pe hum log invest kar rahe hain. And I think when you look at the overall holistic consumer experience of owning an Oppo product, I think that is our focus. Okay, so that means aap focus kar rahe hain ki aapka pricing abhi hum side mein rakhte hain, lekin jo aap cheez देते हैं वो है कंज्यूमर को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस. अब एक्सपीरियंस की बात उठी है तो एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है जब से आप आरएनडी करते हैं और फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं. और भारत में भी आपका यूनिट है जहां पर फोन्स ही मैन्युफैक्चर होते हैं. इसके अलावा और क्या क्या चीजें जो भारतीय आपकी फैक्ट्री है उसमें मैन्युफैक्चर होती है, और उधर इंडियन एम्प्लॉयज कितने हैं? सो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है संदीप. और यू नो, ये एक चीज है जो ओप्पो ने बहुत सालों से, यू नो, it's been at the front and center of how we worked in India. So jaise aapne kaha, hamari ek super factory hai Greater Noida mein jo banayi gayi thi 2400 crore ki investment ke sath. Hamare kareeb 10,000 employees hain wahan pe jo kaam karte hain. 110 acre ka campus hai. And like we keep saying, the size of the campus is literally larger than Vatican City, right? So it's a massive facility that we have there. And wahan pe, you know, har 3 second hum log ek phone banate hain. So our made in India story is based on this immensely large investment. But beyond that, you know, hum log invest na sirf apni own manufacturing mein kar rahe hain, but also hum log apni local supply chain bana rahe hain, so that, you know, India has a robust smartphone manufacturing ecosystem. So hamara ek initiative which is called the Vihan initiative, jahan pe hum logon ne kareeb $60 million invest kiye hain over the next 5 years,
to strengthen this supply chain so that not only are we kind of, you know, as Oppo creating great product, but also lending to the entire industry a supply chain which is robust. We've collaborated with the government of India to encourage 30 tier one suppliers to set up operations in India. And so, you know, our investments aren't just about focusing ki hum log Oppo ki tarah kaise bana rahe hain, but we are also investing in the overall ecosystem of the industry. Right. Aur jo aapne employees bole, sabke sab Bharati hain ya kuch videshi employees bhi hain Oppo ki factory mein? I think it's largely Indians. Obviously, there are a few roles jahan pe, you know, you need expertise. And so over there, we do have expat colleagues as well. Lekin largely, all of them are Indian. But obviously, there are some roles in which we have expats as well. So, Dhamit, jaise ki aapne bataya ki aapne bahut zyada heavy investments ki hai, yani ki Oppo ne kafi investments ki hai manufacturing mein. Yani ki aapne kuch na kuch to dekha hoga Bharat ki jo manufacturing story batai ja rahi hai ya jo aage banti ja rahi hai. To aapko kya lagta hai ki Bharat ek vishv power kab tak ban jayega manufacturing mein? Kyunki abhi jo ho raha hai, bahut had tak assembly ho rahi hai aur jo major component jo hote hain phone mein, jaise ki processor ki baat kar lijiye, display ki baat kar lijiye, wo abhi bhi import kiye jate hain. To ye sab aap kab tak dekhte hain ki Bharat mein bante hue? So Sandeep, ye it's a ongoing story, right? Or I think jo main Vihan initiative ki baat kar raha tha, that is exactly like an investment to answer what you have in mind ki hum log as a country, hamari economy kab you know self dependent ho jaye, so that all the high value components also are made locally. So isme it's obviously an ongoing investment that we're making. We're working very very closely with the government of India. There are some specific initiatives that we're working on with the government of India. I think in the coming 4 to 5 to 6 years, you know, technology moves really really fast. And so I think our ambition is in the next 5 to 6 years, we'll see a very different kind of a manufacturing setup and an ecosystem that's significantly more mature than it is today. So agar aap mujhse poochhe, mereko lagta hai kareeb 2026-27 tak, you know, we'll have a very very different setup for smartphone manufacturing in India. And this is something which, you know, has taken years. Prime Minister Modi's you know, when he took over as the Prime Minister literally 7-8 years back, his vision was to make India self-dependent and to kind of, you know, make India a destination for not just smartphone manufacturing. I think to make India a tech hub. And I think we're taking the right steps in supporting this vision. And hopefully in the next 4 or 5 years, we'll see a very, very different India emerge. So, agla sawal ye hota hai ki agar hum dekhe ek smartphone mein bahut sare components hote hain, lekin uske jo major components hote hain, jiski wajah se price upar niche hota hai, wo hota hai ek aapka processor, ek hota hai display aur teesri hoti hai battery. Baki sab to manage ho jate hain, lekin ye sabse zyada costly components bhi dikhe jate hain bomb cost mein. Display mein abhi kafi kaam chal raha hai Bharat mein ki log try kar rahe hain ki yahan par hi manufacture kare. Processor ke upar bhi kaam chal raha hai, lekin बैटरी पे तो काफी काम हो चुका है और आप भी बैटरीज भारत में बनाते हैं, लेकिन यहां पर एक थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है कि आपकी बैटरीज जो है उस पे मेड इन इंडिया का भी लेबल लगा होता है और मेक इन चाइना का भी लेबल लगा होता है, ये ड्यूल लेबलिंग का क्या चक्कर है? सो जैसे मैं आपको बता रहा था, हमारी जो सुपर फैक्ट्री है यहाँ पे फोन असेंबल होते हैं. सो ओप्पो इंडिया मैन्युफैक्चर्स द बैटरीज फॉर इट्स स्मार्टफोन्स इन इंडिया, राइट? Now, the cell for the same is currently imported, but you know, there are BIS certification and BIS regulations that we need to follow. So Oppo jo hai, hum log mention karte hain hamari country of manufacture for the cells. The printed circuit boards jo hote hain, jo PCB hota hai, aur jo flexible printed circuit FPC jo hota hai, those are added to the cells in India, right? So all the required testing on the batteries is performed locally. And in keeping with you know, our requirements as a country, it's necessary for us to reflect the manufacturing site on the finished battery as well as where the cell for the battery was imported from, right? So the battery registration number jo hota hai aapka battery ke upar, usme BIS site as well as the country of import is mentioned. So the reason you have both made in India and made in China on that is because there's a regulatory requirement, and as a committed partner to, you know, make in India, all current smartphones sold in India are made in India, and we are adding some very significant value additions in the battery locally, which is why you have both the countries mentioned on the battery. So, अगर सरल शब्दों में कहें तो ये आप कहना चाहते हैं कि जो बैटरी में जो कंपोनेंट्स हैं
वो चाइना से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, इसलिए वो लिखा जाता है कंट्री ऑफ ऑरिजिन वहां पर। और दूसरा, जब भारत में आते हैं उनके ऊपर जो सर्किटरी लगाई जाती है पीसीबी, और साथ में सुपर बुक टेक्नोलॉजी पे जो आप काम करते हैं वो इंडिया में किया जाता है, और उसके बाद भारत से सर्टिफिकेशन लिया जाता है, इसलिए मेड इन इंडिया का भी मोहर लगाई जाती है। और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कंट्री ऑफ ऑरिजिन भी देना है, इसलिए मेक इन चाइना का भी बैटरी के पीछे लेबल रखा था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। सो जैसे मैं बोल रहा था, सेल आपका इंपोर्ट हो रहा है, बट सेल ऑन इट्स ओन इज नॉट द बैटरी, राइट? उसमें जो आपकी वैल्यूएशन हो रही हैं, जो पीसीबी लग रहा है, जो एफपीसी लग रहा है, वो इंडिया में होता है, इसकी जो टेस्टिंग होती है वो इंडिया में होती है, एंड सो द बैटरी कम्स इनटू लाइक बैटरी बिकम्स अ बैटरी वंस द वैल्यूएशन इज डन इन इंडिया। सो दैट्स द स्टोरी ऑन द टू कंट्रीज बीइंग मेंशन ऑन द बैटरी। So, regulations हैं जिनको ख्याल में रखते हुए हम लोग दोनों countries का नाम लिखते हैं। Right. So, I mean, इस हिसाब से यानी कि अगर देखा जाए तो फिर जो बाकी दो components हैं, display हो गया या फिर processor हो गया, उसमें country of origin की stamp लगती होगी। जी। Right. So, I mean, अब एक चीज बताइए कि हम देख रहे हैं मार्केट में अचानक से फोन्स बहुत सारे आने लग जाते हैं, फिर अचानक से रुक जाता है, इसके पीछे का क्या स्ट्रेटेजी होती है? क्या फेस्टिव सीजन्स होते हैं, इनको ध्यान में रखते हैं फोन्स की लॉन्चेस की फ्रीक्वेंसी तेज हो जाती है, या फिर एक साइकिल आप लोग फॉलो करते हैं? तो संदीप, देयर इज ऑब्वियसली अ साइकिल, राइट? सो यूजुअली जो हमारी साइकिल रहती है, इट्स लाइक आप टेक इंडस्ट्री में काफी साल से काम कर रहे हैं, आपको पता है, यू नो, टेक्नोलॉजी मूव्स रियली रियली क्विकली, राइट? एंड सो जो हमारी लॉन्च साइकिल है, दैट इज टू डू विद व्हेन वी फील कि हमारे प्रोडक्ट में देयर इज एन अपग्रेड पॉसिबल व्हिच you know enhances the consumer experience. So agar main aapko Reno ki baat karu, so jo Reno 7 launch hua tha Jan mein, that had some very specific camera features. In July we had an upgrade both in terms of the chipset which was inside it, in terms of the battery health engine that was inside it, in terms of even the design, you know. So all of these are things that we feel are possible to kind of you know provide in a at a certain specific interval. So hamari usually ज्यादातर फोन्स के ऊपर 6 से 8 महीने की साइकिल रहती है for the mid segment phones. और जो हमारे प्रीमियम फोन्स रहते हैं, obviously the expectation of consumers is there has to be a significant step up in terms of the innovation story. So वो usually you know annual cycle पे रहते हैं. राइट। सो आई मीन अब सबसे एक क्वेश्चन है जो लोगों के दिमाग में काफी टाइम से घूम रहा होगा कि आपके आप लोग ने फोल्ड डिवाइस पे काम कर चुके हैं, वो भारत में अनफोल्ड कब होगा? संदीप, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये हमारे लाइक जिद्दोजहद लगी हुई है हमारे भी इंटरनली. वी रियली वांट काइंड ऑफ यू नो ब्रिंग दी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फ्रॉम ओपो इनटू इंडिया, और होपफुली कुछ महीनों में वील हैव गुड न्यूज फॉर आर कंज्यूमर्स इन इंडिया. वी आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड इन मेकिंग श्योर वी आर एबल टू गेट द बेस्ट ऑफ ओपो टू इंडिया. सो होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वील हैव सम हैप्पी न्यूज. Right. So, Damien, अब 2 महीने रह गए हैं साल को, ऑलमोस्ट 2 महीने रह गए हैं साल को खत्म होने के लिए, तो इन 2 महीने में हम कितने डिवाइसेस ओपो से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और वापस मैं फोल्ड पे आऊंगा, क्या फोल्ड न्यू ईयर का गिफ्ट मिलने वाला है लोगों को या इस साल का बाय बाय गिफ्ट? सो जहां तक अगले 2 महीने का सवाल है संदीप, वी जस्ट लॉन्च अ फ्यू डिवाइसेस. सो रीनो, हमारा रीनो 8 हम लोगों ने जुलाई में लॉन्च किया था. वी जस्ट लॉन्च द F21S. We've done a bunch of A-series devices as well. So, abhi koi badi launch nahi hai agle 2 mahine mein. Jahan tak naya saal ka sawal hai, naya saal is going to be a new beginning. We are hoping to really, really have some amazing devices launched. So, naya saal mein aapse ek nahi guftagu hogi, naye products ke saath. We are hoping we are going to have a big smile for or a big surprise for all our consumers in the new year. उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले नए साल में आप कुछ नया अनफोल्ड करेंगे. अब वो अनफोल्ड किस रूप में होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि दमयंत उसके बारे में भी कुछ नहीं बोलने वाले हैं क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट रखना चाहते हैं. थैंक यू सो मच दमयंत, आपसे बात करके काफी मजा आया, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आप और भी अच्छी अच्छी डिवाइस लाएं और किलर प्राइस का टैग कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिवाइस का जुड़े तो काफी मजा आ जाएगा. थैंक यू सो मच. Thank you, Sandeep. It's been a pleasure talking to you. Thanks. So, friends, अब बस इतना ही. आज के टाइम दिल से के इंटरव्यू में आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो भी आपके सवाल हैं ओपो से जुड़े कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. कोशिश करेंगे कि उनका जवाब हम सीधे ओपो से लेकर आए और आप तक पहुंचाए. जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा.